तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां 10 सेकंड के वीडियो ने बता दिया तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस वक्त देश के पहाड़ी इलाके कितने खतरनाक हैं। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पहाड़ का जब बड़ा हिस्सा हाईवे से होकर गंगा नदी में जाकर गिरा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली थी क्योंकि ये लैंडस्लाइड नेशनल हाईवे पर हुआ था। गनीमत रही कि इस दौरान यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। अब मलबे को हटाने का इंतजाम किया जा रहा है। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की वजह से कोई बोल्डर या पहाड़ों का मलबा पुल पर जाकर नहीं गिरा। मॉनसून के दस्तक के साथ ही पहाड़ों पर मुसीबत ने दस्तक दे दी है। ताजा तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बारिश के दौरान हुए लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां दब गई थी और अब बारिश थमने के बाद गाड़ियों को मिट्टी के मलबे से निकालने का काम शुरू हो गया है। देख ले। बताया जा रहा है कि बुधवार रात चमोली में हुई तेज बारिश की वजह से जिले में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। नेकवाड़ और गोपेश्वर इलाके में मलबे के बीच कई गाड़ियां बुरी तरह फंस गई, जिन्हें बारिश थमने और सुबह होने के बाद निकाला जा रहा है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की वजह से कई रूट बाधित हुए हैं, साथ ही गंगा नदी का जल स्तर भी काफी डरा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा रखा है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, निचले इलाकों में पानी भरता जा रहा है। सड़कों पर बेहिसाब सैलाब बह रहा है, गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं और लोग घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और अगर बारिश नहीं रुकी तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। ऐसे में लोग अब प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। करीब 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल 10 सेकंड में देखते ही देखते आंखों के सामने बह गया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं, जहां शिवनाथ नदी के पास समनी घाट में बन रहा ब्रिज पहली बारिश में ही ढह गया। दरअसल तेज बारिश की वजह से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और सुबह जब लोग नदी के जल स्तर को देखने पहुंचे तो ये ब्रिज भरभराकर नदी में समा गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मॉनसून के मद्देनजर निर्माणाधीन पुल को बचाने के मजबूत उपाय क्यों नहीं किए गए थे। तेज और लगातार बारिश की वजह से गुजरात के जूनागढ़ में पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़क पर ही गाड़ियां पानी में फंस गई। सड़कों पर पानी इस कदर इकट्ठा हुआ कि बस जैसी बड़ी गाड़ी भी पानी को पार नहीं कर पाई और बीच में ही फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक स्कूल बस पानी में फंसी हुई है और सिर्फ बस ही नहीं, एक ऑटो को भी लोग घुटनों तक पानी के बीच धक्का मारकर आगे बढ़ाते नजर आए। अब इस नीली कार को देखिए, दिखने में कार जितनी आलीशान है अब उसे धक्का मारकर आगे ले जाने में उतनी ही मुसीबत हो रही है। जूनागढ़ में इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद ये साफ हो गया, आसमान से बरसी आफत ने इस शहर की रफ्तार पर बुरी तरह से ब्रेक लगा दी है और अगर जल्द राहत नहीं मिली तो लोगों को और भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ बारिश और बर्बादी के बीच जब लोगों ने इस बाइक वाले बाहुबली को देखा तो दंग रह गए। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली थी क्योंकि लोगों को अक्सर पानी के बीच बाइक चलाते हुए उसे धक्का मारते हुए देखा जाता है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बेहद ही दुर्लभ हैं। जैसे इस इंसान को मशीन पर नहीं अपने बाहुबल पर ज्यादा भरोसा है। तस्वीरें कर्नाटक के रायचूर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि करेकल गांव के पास अंडरपास में पानी भर गया था और पानी भरे होने की वजह से शख्स बाइक को अपने कंधे पर उठाकर ले गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग कर्नाटक के इस बाहुबली को देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पिछले 24 घंटे से बेहिसाब बारिश हो रही है और उसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मकान, दुकान, सड़कें, चौराहे, गली मोहल्ले सब पानी से लबालब भरे नजर आ रहे हैं और लोग इस आसमानी आफत के सामने बेबस हैं। रायसेन जिले में भारी बारिश की वजह से देवरी के कई स्कूलों में पानी भर गया, जिस वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके।
वहीं बेगमगंज इलाके के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां लगातार पानी भरता जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उदयपुरा शिवलोक कॉलोनी की भी नजर आ रही है। मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से कई इलाके पानी से लबालब भर गए हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें मुंबई के बोरीवली इलाके की है, जहां तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बोरीवली में कितनी जोरदार बारिश हो रही है और गली में घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिस वजह से लोग घर के अंदर रहने को मजबूर हैं, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। मुंबई के ठाणे में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। पुल के नीचे की इस तस्वीर को देखिए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। पानी के अंदर आधी बाइक्स डूबी हुई हैं। इतना ही नहीं, सड़कों की गंदगी के साथ ये पानी कई दुकानों में घुस रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार लगातार पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी घटने की बजाय दुकानों के अंदर और बढ़ता जा रहा है। मुंबई में तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। दहिसर इलाके में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। के बीच में कई रास्तों को बंद किया गया है, तो कुछ रास्तों को बंद करने की स्थिति मौजूद हो चुकी है। फिलहाल हम दहिसर टोलनाका के पास मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक छोटा तालाब जो है वो यहां पर निर्मित हो चुका है ब्रिज के नीचे। और साफ तौर पर कुछ देर पहले तक इसे बंद किया गया था, लेकिन कई गाड़ियां हैं, कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है और इन गाड़ियों को अपने इस गड्ढे जैसे रास्ते में ले जाने को तैयार है। सूरत की सड़कों पर तो सैलाब ने ही कब्जा कर लिया है। सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है। लोग घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोग मजबूरी में घर से निकल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उनके क्या हालात हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। घुटनों तक पानी के बीच से वाहन गुजर रहे हैं। कैसे पानी के बीच से जा रही बाइक अचानक बंद हो जाती है और फिर शख्स को बाइक से उतर कर ही उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। ये तस्वीरें सिर्फ सूरत में ही नहीं, गुजरात के कई इलाकों में बेहद आम हो चुकी हैं, क्योंकि जब भी मानसून आता है तो शहर शहर सैलाब का सितम नजर आने लगता है। जहां तक नजर जाएगी सड़क में दरार नजर आएगी। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां जोरदार बारिश की वजह से पुल की सड़क में ही दरार हो गई और इस दरार को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। करीब 118 करोड़ रुपए की लागत से बना सूरत के वेड वेरिया ब्रिज में जोरदार बारिश से दरारें पड़ गई। बताया जा रहा है ये पुल करीब एक महीने पहले ही तैयार हुआ था। ऐसे में अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अब गुजरात के बोटड इलाके की इन तस्वीरों को देखिए, जोरदार बारिश हो रही है और इस जोरदार बारिश के साथ पूरा इलाका पानी से लबालब भरा हुआ है। गलियों में बेहिसाब पानी बह रहा है और सड़कें नदियों की तरह नजर आ रही हैं। गलियों में बहने वाला पानी घरों में घुसने को बेताब है। आलम यह है कि दिन में ही लोगों को गाड़ी की लाइट ऑन करके चलानी पड़ रही है। काले घने बादलों की वजह से दिन में ही शाम जैसे हालात नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मानसून की दस्तक के साथ शहर शहर से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये जिला मुरादाबाद की है, जहां अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से एक कार फंस गई और अब इस कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मुरादाबाद में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद इस अंडरपास में पानी भर गया। कार सवार को लगा कि वो पानी से निकल जाएगा, लेकिन बीच अंडरपास में जाकर कार फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से डूबी कार को निकाला गया और अब इस घर में रहने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। कुछ समय पहले जिस सरयू नदी का गिरता जलस्तर चर्चा का केंद्र बना हुआ था, उस सरयू नदी का जलस्तर अब काफी बढ़ गया है, इतना कि अब लोगों को डराने भी लगा है। तस्वीरें धर्मनगरी अयोध्या की हैं, जहां सरयू नदी का जलस्तर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हो रही तेज बारिश की वजह से बढ़ गया है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। एसडीआरएफ की टीम ने दावा किया है कि वो सरयू में बढ़ते जलस्तर को लेकर मुस्तैद हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं।
कुछ दिनों से बिना बरसे विदा हो रहे बादल आखिर गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में बरस ही गए। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। ये तस्वीरें दिल्ली के लोधी रोड की हैं, जहां से तेज बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं मौसम विभाग की माने तो 2 जुलाई तक हल्की बारिश के ही आसार नजर आ रहे हैं। जलभराव की ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के सराय काले खां इलाके में भी नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई जगह पर पानी भरा हुआ है। आपको बता दें, इस बार दिल्ली में मॉनसून समय से पहले ही पहुंच गया था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मॉनसून की बारिश जारी रहेगी, लेकिन दिल्ली में बारिश के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में धूप निकल रही है। हालांकि आज दिल्ली में अच्छी बारिश जरूर हुई, लेकिन लोगों को अब भी तेज बारिश का इंतजार है। जमीन पर पड़ा मलबा 5 मंजिला इमारत का है और ये इमारत तेज बारिश की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कुमारहट्टी के पास बारिश के चलते 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त मकान में कोई भी नहीं था, इसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला बिल्डिंग में गेस्ट हाउस, होटल और घर था, लेकिन बारिश की वजह से इसमें दरारें आ गई थी, जिस वजह से यहां अब कोई नहीं रह रहा था। वहीं बिल्डिंग मालिक रोशन लाल के मुताबिक उनका सारा सामान बिल्डिंग के अंदर ही था और उन्हें करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेज बारिश के असर से गुजरात का नवसारी भी नहीं बच सका और यहां एक घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से इस घर में कैसे बर्बादी हुई है। बताया जा रहा है कि लकड़ियों से बना एक कच्चा मकान तेज बारिश और हवा के झोंके से ढह गया। पहाड़ों से होते हुए सैलाब अब मैदानी इलाकों में भी तबाही मचाने लगा है, जिसकी बानगी बिहार के सीतामढ़ी में दिखी, जहां तेज बारिश की वजह से कफर बांध ही टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे नदी के ऊपर बना बांध का एक हिस्सा गायब हो चुका है, जिसकी वजह से दोनों तरफ की आवाजाही बाधित हो गई है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है।